आइए दिखाते हैं दोस्तों नेनुआ यानी कि तुरई की बुआई कैसे की जाती है। ये आप देख सकते हैं बेड तैयार किया गया है। ये जो क्यारी आपको दिख रही है सामने वाला, इसमें पानी भरने का और इसी में बीज तैयार किया जाएगा बोके। और देखिए यहाँ आपको दिखा रहे हैं बीज डालकर इसको ढक दिया गया है। आलोक करके वीएनआर सीड है और इसका प्राइस, ये पीछे का ये आपको रेपर दिखा रहे हैं, 336 का प्राइस है 50 ग्राम का ये। और इधर ये भाई साहब बीज बोने जा रहे हैं। चलिए चलिए आइए दोस्तों, दिखा रहे हैं कैसे बीज बोया जा रहा है। भाई साहब जा रहे हैं देखिए बीज डालने के लिए। सही, पहले इसको फाड़ते हैं। ठीक है फाड़िए। ये भाई साहब एक घाई मार रहे हैं कुदाल से। ये देखिए बीज, देखिए ये तुरई का बीज है नेनुआ, कुदाल से घाई मारा जा रहा है। गलका बोला ना छत्तीसगढ़ में, गलका, इसको गलका भी बोला जाता है। चलिए इधर देखिए, देखिए बीज कैसे डाल रहे हैं भाई साहब। ऐसे ले लेंगे इसको, इसको ऐसे यहाँ ऐसे गाड़, इसे गाड़ते हैं। कितना दूरी रहेगी इसकी? एक बित्ता लगभग, एक बित्ता के लगभग इतना दूरी बीज गाड़ रहे हैं। एक फीट देखिए, 7 इंच 10 इंच की दूरी पे आप 1 फीट की दूरी भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार जैसा भी हो। देखिए बीज गाड़ने के बाद फिर हाथ से इसको ढक दिया जाएगा। उधर भी देखिए बीज डाला जा रहा है। और आइए दिखाते हैं कैसे इसको ढक रहे हैं। देखिए मिट्टी को पहले भुरभुरी करते जा रहे हैं और ढकते जा रहे हैं। कितना दिन पहले सिंचाई हुआ था? 4 दिन। 4 दिन पहले सिंचाई किए थे भाई साहब। और ये थोड़ा मिट्टी भुरभुरी हुआ है और तुरंत ये गाड़ना शुरू कर दिए हैं। देखिए कैसे बेड तैयार किया गया है। कितना दिन लगेगा इसको निकलने में? 7 दिन। 7 दिन में इसका डाब निकलने लगेगा। देखिए इधर का ढांक दिया गया है। और ये जगह जो देख रहे हैं आप लोग खाली है। इधर जो जमेगा पौधा, इधर का पौधा जमेगा बढ़ते जाएगा तो इधर के आएगा, और इस वाले क्यारी का जो पौधा जमेगा वो उस तरफ के जाएगा और बीच में रहेगा खाली। और इसमें पानी और ज़रूरत पड़ने पे खाद दिया जाएगा। और ये इसमें इसका पौधा का छाल जो है इसी में फैलेगा और इसी में फल निकलेगा, तोड़ने में इधर आसानी रहेगा। देखिए इसी तरह से ये भी है, ये क्यारी में इसमें बोया गया है और इधर खाली छोड़ा गया है। इसमें भी देखिए अभी इसमें बोया जाएगा, इधर कुदाल से खन के बोया जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो इसके इसका जो छाल रहेगा इधर और इसका जो रहेगा इधर इस साइड कर दिया जाएगा। और बीच में जो खाद पानी और घास हो जो होगा इसी में निराई गुड़ाई की जाएगी। ये नेनुआ की जो है बुआई करने के लिए बेड ऐसे ही तैयार किया जाता है। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। अगले साल, पिछले साल भी बोए थे इसी में और इस साल भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इनसे। भाई साहब ये किनारे किनारे आप क्यों घाई मार रहे हैं? इसमें बीच में भी तो मार के बो सकते थे। नहीं, ऊपर रहेगा ना तो बीज अच्छे से जमेगा और बढ़ेगा भी अच्छे से। अच्छा, ऊपर आएगा तो पानी भी भरेंगे तो उसमें गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, सड़ेगा भी नहीं। और अच्छा, इसलिए किनारे आप थोड़ा सा ऊंचा पे बो रहे हैं इसको। और इसमें अच्छा होगा, ज्यादा ऊपर भी बोएंगे तो वो भी ज्यादा पानी भरना पड़ेगा उसके उसके लिए। हाँ, पानी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और यहाँ नीचे रहेगा थोड़ा पानी में उसके जड़ तक, इसके सोर तक पानी पहुँच जाएगा। दोस्तों देखिए इसी तरह से बोया जाता है।
और आरी आरी इसलिए बोया जाता है कि पानी भरे और थोड़ा सा ही पानी में इसको भरपूर ये नमी मिल जाए। देख लीजिए लगभग इतना इतना दूरी है और इसको ढकते जाते हैं। इस साइड भी इसी तरह से बोया जाएगा, बढ़ते जैसे पेड़ बढ़ागा पड़ेगा और उसका पौधों को इस तरफ कर दिया जाएगा, यहाँ अपना फैलने के लिए जगह जो है इसमें फैलेगा। चलिए दोस्तों, जैसे ये पेड़ बढ़ेगा उसके बाद भी हम वीडियो बना के आपको संपूर्ण दिखाते रहेंगे। अभी आज ये बुआई हो रही है, उसका वीडियो भी बना के हम अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।